Without any delay, I would invite Rachna on this discussion tonight. Welcome, Rachna. Good to see you again. Good to see you too. Welcome on the show. And we are looking forward to, enlightening advices. And since the topic is very serious, as I have just mentioned to my audience, कि आज हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक कई सारे लोग बहुत पब्लिकली बात करने में हिचकिचाते हैं या दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, बट वी हैव जस्ट बात फील दैट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. नान अदर देन द पीपल्स पर्सन रचना हियर टू टॉक अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट टुडे. Kanika, what was the question? I couldn't hear. I think there was a lag. सॉरी. सो I was just saying, Rachna, that it is very important. We at Just Path feel that it is very important to be vocal about sexual harassment and talk about it. So I'm just mentioning it to our audience that today we have a people's person, Rachna, here, who has been handling a lot of people and clients who come with such problems and issues. So, Rachna, please brief the audience about the topic today, as we are talking about sexual harassment. Why does it happen? How, in what ways, one should identify sexual harassment? Okay, so I remember the reason I'm doing this tonight is I just recently had a case where, not just one case, couple of cases, including guys, where they are sexually harassed and molested, girls also. So that's what got me thinking कि हम चुप क्यों बैठते हैं, हम कुछ क्यों नहीं कर पाते, व्हाई डू पीपल टेक एडवांटेज ऑफ गर्ल, एस्पेशली ऑफ कोर्स रेशियो वाइज गर्ल्स मोलेस्टेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट इज मच हायर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेस विथ मेन, बट आई डोंट वांट टू एक्सक्लूड मेन. आई वुड लाइक टू डिस्कस सेक्सुअल हैरेसमेंट एज इन जेनेरिक टर्म्स, व्हाई इट्स हैपनिंग, एंड सिंस वी आर इंडियंस, वी नो अबाउट इंडिया, सो वी विल काइंड ऑफ फोकस ऑन दैट अ बिट मोर. सो दैट्स हाउ इट केम अप कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको जिनके साथ ऐसा हुआ है और वो बोल नहीं पाते, और उनके पेरेंट्स भी, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, विच इज रियली सैड कि तुम आवाज भी उठा रहे हो पर तुम्हारे पेरेंट्स, जब क्योंकि सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे, और इवन लड़कियां बोल नहीं पाती अपने पेरेंट्स से, इतना फियर होता है रिगार्डिंग कि शुड वी से दैट इट हैपेंड टू अस, बिकॉज नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक जनरली इट्स विक्टिम ब्लेमिंग एंड शेमिंग इतना ज्यादा हो गया है कि इफ द विक्टिम स्पीक्स अप, जैसे कि शायद तुमने ही कुछ किया होगा, क्या तुमने उसको बढ़ावा दिया, व्हाई डिडंट यू डू दिस, व्हाई डिडंट यू रन अवे, आई मीन दिस सो मच विक्टिम ब्लेमिंग एंड शेमिंग गोइंग ऑन. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है कि लोग बात नहीं करते इसके बारे में. सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस दैट कनिका, दैट हाउ कैन वी एड्रेस दिस प्रॉब्लम. राइट. सो जनरली अगर मैं अपनी ऑडियंस को कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊं, तो 2019 में जितने केसेस इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिपोर्ट हुए थे, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका, सिर्फ दिल्ली के अंदर 2019 में 431 केसेस वर रिपोर्टेड बाय विमेन. दीज आर विमेन स्पेसिफिक केसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इन आर कैपिटल देयर वर 431 केसेस दैट वर रिपोर्टेड. अब रिपोर्ट तो वो लोग करने जाते जिनमें थोड़ी सपोर्ट होती है, जिनको थोड़ी सपोर्ट मिलती है या हेल्प मिलती है, बट व्हाट अबाउट दोज मेनी पीपल हु सिट इन साइलेंस? सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी वोकल दैट यू आर बीइंग सेक्सुअली हैरेस्ड. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? See, let's start at the beginning, right? What is rape and sexual molestation? It's basically a power trip, right? It's people with narcissistic tendencies that they know that they can get away with it. Okay, Right. क्योंकि जनरेशन से चला आया है कि कोई कुछ करता है तो लड़कियां चुप बैठती हैं या लड़के भी चुप बैठते हैं. मेरे कुछ क्लाइंट्स से लड़के भी हैं, वो भी चुप बैठते हैं विद वो शेम और गिल्ट जो सोसाइटी उनको फील कराता है, जो उनके खुद के अपने फील कराते हैं. आजकल ऑफकोर्स थोड़े पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसे होते हैं, प्लीज आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस व्हेन आई एम सेइंग दिस, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड कि मैं आई एम जनरलाइजिंग दैट एवरी पेरेंट इज डूइंग इट और इट हैपेंस विद,
जनरली जो होता है मैं हम उसकी बात कर रहे हैं. आई एम श्योर देयर आर पेरेंट्स हु आर सपोर्टिव आल्सो. सो व्हाट आई सॉ वाज द नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज दैट गाइस हैव. लेट्स टॉक अबाउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक ओनली अबाउट बोथ सेक्सेस, लेट्स जस्ट स्टिक टू वन कनिका फॉर द मोमेंट सो इट्स इजीयर फॉर अस टू एक्सप्लेन. या सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू सी ओवर टाइम देयर हैज बीन एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओके बिटवीन मेन एंड वुमेन. हमेशा विमेन को समझा गया कि दे आर द वीकर सेक्स, करेक्ट. कि मूवीज जैसे आज ही मैं देख रही थी, एक सलमान खान की कोई मूवी चल रही थी जहां पे वो लड़की को लड़के छेड़ रहे हैं और वो लड़की नहीं मुझे हाथ मत लगाइए और वो हीरो भागते हुए आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. यू नो लाइक गर्ल्स आर सपोज टू बी द वीकर सेक्स, दे आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग. द मैन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट देम, द मैन इज गोइंग टू सेव द डे, यू नो. दिस इज वेयर दिस इज द प्रॉब्लम. The role models, the traditions, the traditional culture, the customs, जिसमें हमेशा लड़कियों को weaker माना जाता है कि हम we are demure, we are passive, we are obedient. Even if you look at serials and movies, one woman is pitching the other woman for the guy, right? Mm. So we are also doing that to ourselves. Yeah, हमको men should we are like the prize of sorts. So Men are after us. कि इस लड़की को अगर से मैंने नहीं पाया तो मैं ना नहीं हैंडल कर सकता. इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम है. रिजेक्शन, उनको रिजेक्शन भी नहीं है एक्चुअली, एक लड़की का कंसेंट नहीं मिलता तो उनको लगता है कि उनकी ईगो पे आ जाता है कि अरे यार मुझे तो वो लड़की नहीं मिली, हाउ कम. इट्स बिकम सच अ, इवन हीरो डज कैट कॉलिंग एंड यू नो वो लड़की को छेड़ता है एंड इट्स बिकम लाइक अ नॉर्मल थिंग. इवन वेयर डज ऑल दिस स्टेम फ्रॉम? It comes from real life into real life, from real life into real life. Into real life, yeah. So it's a vicious circle. Yes, we are learning that. And the younger generation is also learning that. Mm-hmm. Right. Unfortunately, you know, we don't want to broadcast this to our audience. Ki, you know, today we are talking about it, in no means we want to, you know, broadcast what our movies or serials do. Women are not commodities. Correct. You know, this mentality that a woman is commodity and if she doesn't have a consent in a relationship with you, then us par acid fake do, or you know, force it, or if you want, you know, if she's employable or she's working with sexual harassment at workplace, in schools, in buses, traveling. Tell me a place where women can safely, you know, bina dare wo ja sakti hai. That's very sad, right? Ki, right. We cannot even, the men can, right? In India, tum kisi bhi waqt taxi le sakte ho, bus mein ja sakte ho, train mein ja sakte ho. पर हमें कितना सोचना पड़ता है कि क्या हमको कोई टच करेगा. हम क्यू में भी, आई रिमेम्बर लास्ट सेशन में किसी ने मुझे पूछा था कि हमारा क्यूज क्यों सेपरेट. आई मीन वहां तक हम लोगों की सोच ऐसी है. नॉट ऑल मैन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट रनिंग डाउन मैन एज जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस हु थिंक दैट वी दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग अस, हु थिंक दैट इट इज ओके टू ब्रश अगेंस्ट अस, टू यू नो विसिल एंड ईवटीज. सो ये जो मेन में जो कंट्रोलिंग और ये ईगो एंड जो माचोगिरी है ना कि हम लड़की को कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद इट, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज. दैट्स पावर क्राइम. व्हाट इज रेप? इट इज लाइक दैट. सेक्सुअल मोलेस्टेशन इज दैट यू कैन गेट अवे विद इट एंड द लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट इनफ टू. एंड ऐसा भी नहीं होता कि तुम विक्टिम शेमिंग ब्लेमिंग करते हो, बट टेल मी व्हेन डू यू यू नो से परेड हिम इन पब्लिक, राइट, कि लेट हिम बी एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए. आई हैव अ केस ऑफ इंसेस्ट, फैमिलीज में भी हो रहा है पर कोई क्या इसी के बारे में बात कर रहा है? कोई नहीं करता. सब एवरीबडी पुशेस अंडर द कार्पेट. ऑलमोस्ट बिफोर कमिंग टू दिस शो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद ऑल माई गर्लफ्रेंड्स, लॉट ऑफ देम, ओके. सो यू विल बी सरप्राइज्ड. Almost everybody said, या तो हमारा नेबर या हमारा अंकल या दूर का कोई रिश्तेदार, किसी ना ना किसी ने किसी को बुरी तरह से टच किया है, या तो has tried to, you know, make advances or try to take advantage of the situation. It is happening to each and every girl. So what does one do in such cases? First and foremost, I want parents, open your eyes.
डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन अलोन. लाइक विथ माई डॉटर आई एम वेरी पर्टिकुलर. ट्यूशन सर हो या कोई भी हो, ड्राइवर हो या कोई भी हो, यस सारा टाइम हम नहीं मॉनिटर कर सकते, बट जितना भी टाइम हो सकता है अपने बच्चे को गुड टच बैड टच सिखाओ. इतना फ्रेंडशिप बनाओ अपने बच्चों में कि वो तुम पास आए और तुम्हें बोले कि मॉम डैड somebody is behaving, misbehaving with me, is touching me in a wrong way. I mean, that fear should not be there with our kids. Right. Very important. That's a very important point that you raise here, Rachna, which leads me up to my another question is, that is, you know, किसी ने अगर ऐसा इंसिडेंस फेस किया लाइफ में, गॉड फॉरबिड इफ एनी वुमन, एनी गर्ल, एनी चाइल्ड is subjected to any sort of sexual harassment. How to manage it? Matlab, ek to, you know, undergoing that trauma, when I'm talking about it, I'm getting shivers down my spine because it is very tragic. But unfortunately, a lot of women, face this harassment in day-to-day life. So, how do they deal with it? Matlab, if it has happened to somebody, if anybody of you who's watching this and has faced this, this is why we are discussing it tonight, that if somebody has faced it, how to handle it. कैसे वो इतनी हिम्मत जुटाए कि इस बारे में बात कर पाए, और वो जिनसे बात कर रही है चाहे वो उनके स्पाउस हो, इट इज नॉट दैट कि वो मैरिड ह्यूमन के साथ नहीं होता, इट इज वेरी लाइक इफ इट इज योर स्पाउस, इफ इट इज योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, कलीग, बॉस, वॉट इज द रोल, हाउ कैन अ वुमन अप्रोच somebody एंड हाउ टू अप्रोच. See, Kanika, I feel we have to break that tradition जो आया है ना कि बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे कि हम इतना अपने पेरेंट्स से डरते हैं कि हम इवन समथिंग सो ग्रेव इन आर लाइफ वी कांट कम अप टू देम एंड से कि हे लिसन मुझे कुछ हुआ. सो पॉइंट नंबर वन, आई वुड टेल ऑल पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों से दोस्ती बना के रखिए, फाइंड आउट उनके क्या हो रहा है. अगर से वो आपको लग रहा है कि वो बहुत शांत अचानक एक अच्छा खेलता हंसता खेलता बच्चा हो, एंड दैट ऑल ऑफ अ सडन यू सी योर चाइल्ड इज वेरी यू नो मीक एंड टिमिड एंड नॉट डजंट वांट टू गो टू स्कूल और डजंट वांट टू गो अ पर्टिकुलर प्लेस, फाइंड आउट दे आर गिविंग साइंस टू यू. जस्ट ओपन योर आईज, यू विल बी एबल टू सी इट. ओके, कभी कभी बच्चों में इतना, क्योंकि वॉट हैपन्स जब कोई आपको सेक्शुअली मोलेस्ट करता है, you freeze, okay, your brain and your body shuts down. Now it doesn't happen to everybody, but quite a few of them. Okay, unfortunately that is another topic altogether, how next time we can talk about why and how to get out. But I'm just saying ki how to, the telltale signs, you know, when a child becomes very quiet, please ask them all. And like I said, monitor your kids, don't let them alone anywhere, even boys. Not just girls. I have had cases जहाँ पे लड़कों के साथ भी ऐसा होता है और तुम्हारे, and do you know 95% of the time it's someone you know. It's either a relative, a shopkeeper, it could be a far away uncle or a cousin who's visiting. Be careful, be vigilant. Okay, so these are the, and Kanika, the important part, अगर से आपके कि कौन स्कूल, कोई कॉलेज आपको सेक्स एजुकेशन सिखाता है, द बर्ड्स एंड द बीज, पर क्या आपको कोई सिखाता है कि हाउ टू हैंडल अ नो, व्हाट टू, इज सेल्फ डिफेंस इवन इन द करिकुलम? नो 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 नो, बिगेस्ट लूप होल इन आवर सिस्टम, द इमोशनल इंटेलिजेंस व्हिच इज योर बेसिक पर्सनालिटी, राइट? तुम सिर्फ आईक्यू पे ध्यान दे रहे हो, व्हाट अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? नोबडी इज डूइंग एनीथिंग कि कैसे लड़कों ने बिहेव करना चाहिए, उनमें एम्पथी कैसा लाना चाहिए, उनमें इंटेग्रिटी नाम की क्या चीज होनी चाहिए, उनको कैसे समझना चाहिए, हाउ टू ट्रीट द अदर सेक्स एज इक्वल. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़कों को सीखना है, लड़कियों को भी सीखना है, यू नो. सो व्हेन देयर इज नॉट सच इन पावर, व्हेन गर्ल्स आर ऑल्सो ट्रीटेड इक्वली, ओके, लेट्स नॉट गो इन टू पे स्केल एंड ऑल दैट, दैट इज अनदर मैटर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इक्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, वेयर when we girls are not attacking men, yeah, if you are without your bare chested or you're on the beach, we are not catcalling you, we just look and we pass, we don't try to harm you, we don't try to assault you, we are not sexually molesting you,
I'm not saying all women don't do it. I've had a case where a guy is sexually molested by a woman. Okay, so yes, it does happen. But as I said, percentage wise, ladkiyon ke saath zyada hota hai. So ye sab school mein kyun nahi sikhaya jata? क्यों एक दूसरे को यू नो कि कैसे ट्रीट करना चाहिए एक दूसरे को विद रिस्पेक्ट एंड हाउ टू एम्पथाइज हाउ टू बी अ गुड हाउ टू बी अ जेंटलमैन और हाउ टू बी अ वुमन विद यू नो विद वेयर यू कैन कंडक्ट योरसेल्फ वेल एंड विद स्ट्रेंथ. हमको हमेशा बोला जाता है कि हम वीक है हम कुछ कर नहीं सकते हम एकदम यू नो डैम्सल इन डिस्ट्रेस वाली जो हमारे साथ पूरी जिंदगी हमको ये बोला जाता है कि वी आर डैम्सल इन डिस्ट्रेस and we need someone to come and save us. We need to stop that also. Like I tell my daughter, self-defense, carry a mace, carry a whistle, you know, learn how to know ki thoda bahut to you have to be ready ki don't go and meet someone aise. Dekho, kahin bhi ho sakta hai. So this is where the problem lies. Instead of saying ki girls ne kaise self-defense sikhna chahiye, girls ne kyun dhyan dena chahiye, hum kyun na ladkon ko sikhaye. कि लड़कियों के साथ ऐसा मत करो. सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाई डू गाइस गेट अवे विद इट. वन बिकॉज़ नोबडी स्पीक्स अबाउट इट. देयर इज सो मच विक्टिम शेमिंग कि जैसे किसी को पता चलता है कि कोई लड़की का रेप हुआ है या किसी ने उसको मोलेस्ट किया, अरे तेरी शादी कैसी होगी, अरे तेरे यू नो व्हाट द हेल. दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज बिकॉज द गाइज द रेपिस्ट द मोलेस्टर्स they know they can get away with it. Right. Na jab tak laws nahi aayenge jab tak each ladki sharam karna band kar de ki nahi ye meri galti nahi hai ki agar se mere sath hua. I have to speak about it. I have to be an inspiration and get up and fight. Right. That is very important. Like you said, right, sab chup baithte hain, ghar wale bhi chup baithte hain, ladki bhi chup, to kaise band hoga agar se ladkon ko ya rapist, let's not say ladkon, jo bhi molest karta hai उनको कैसे पता चलेगा कि हे यू कैन नॉट गेट अवे विद इट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट अबाउट इट. राइट राइट. यू नो बिकॉज आज वो आपके साथ कर रहा है कल वो किसी और के साथ करेगा, इसीलिए इस चीज को बढ़ावा मतलब आपका चुप रहना कहीं ना कहीं इस तरीके के व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है. यू अनोइंगली अनविलिंगली यू आर गिविंग दैट एनकरेजमेंट. वी नीड टू पुट अ फुट डाउन एज वुमेन एंड यू नो बी वोकल अबाउट इट. So, one more question, Rachna. God forbid if somebody is into that situation. You know, ek bus mein hai, I'm giving a hypothetical situation. Bus to crowded hai. If a girl makes a noise and there will be people who will come to defense. You know, it often happens in crowded places that men try to touch you, you know, in a not in a good way. But there are women who have kind of jobs where they need to work late nights or travel alone or go to unknown places. God forbid if they encounter such a situation, how should they, you know, defend it? Or what are the easy ways that a woman can be, you know, be rest assured that she will be able to defend herself? But are you saying in a public place or you're saying in a private place? No, see, if it's a public place, we know if she calls for help, there would be people. But if it is more of a place where there are no people, or if she is in a place where a group of people have molesting. Definitely, if it's group of people, it's going to be very tough, Kanika. I have to be very honest. Whether it's for a guy or a girl, to be very. I mean, agar se kisi ladke ko bhi char log gher le, kya kar payega wo akele, right? So let's not go there. That's like, unfortunately, I hope it doesn't happen to anybody. यही तो problem है. इनकी सिंपथी इनकी एम्पथी मर चुकी है, इनका दिल मर चुका है कि किसी को. जस्ट इमेजिन आपका सपोज एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने तुम्हें चेकअप के लिए बुलाया है और उस चेकअप में उसने तुम्हें कुछ मिला के दे दिया और तुम्हारी किडनी निकाल ली, ठीक है, अगेंस्ट योर विल, राइट राइट, हाउ वायलेटेड विल यू फील. तो सेम वे फॉर अ वुमन, दिस इज नॉट कंसेंट, यू आर वायलेटिंग एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी. Right. So I hope ki, that's what I'm saying, schools, colleges, information, commercials, billboards, we should be highlighting this, that how to respect a woman's consent, that don't force her. Jab usne na bola to uske na sun lo, because it is important. I think jab tak society ye baat nahi sikhegi na, to hum kuch gang rape ke against hum kya kar sakte hain,
honestly. But let's go with agar se akeli hai. Like I said, the curriculum has to have self-defense classes. बचपन में लड़कियों को सिखाओ, क्योंकि मे बी जरूरी नहीं करके हम इतने वीक हैं कि वो एक लड़के से फाइट ना कर पाए. इफ यू कैन हिट देम इन द प्लेसेस दैट इट हर्ट्स, डू यू नो सेल्फ डिफेंस क्लासेस टीच यू देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, योर थ्रोट, योर द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ गाय, दे टेल यू हाउ टू डू दैट. सो इफ द गर्ल नोज वेयर टू हिट और क्या करना चाहिए इन दिस थिंग एंड हाउ टू बी अलर्ट, अपेरेंटली यू आर नॉट सपोज टू लेट देम टेक यू फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. Right. चीखना चिल्लाना सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए. When you go to place B or whichever place they are taking, that's where the real problem starts. So you have to kick a fuss, kick him anywhere, do whatever, carry a whistle, carry mace, and like they say ki all, you can keep your tracker on. आजकल तो वो भी हो गया. If you know, phones have हमारे family reject in our families, we keep our tracker on where our daughter is going and where is the last place and that kind of thing. But and I hope that it doesn't turn to this. I mean, it's so sad that we have to worry. Itna dar laga raha hai ki hum kya ghar wapas aayenge? Kyun na friends, guys, ek dusre se baat karo. You know, not just schools. I think even peer pressure se aisa hota hai, jahan pe ladkon ko aisa lagta hai ki wo itne macho, ladki ne na kaise bola. And even in movies, heroes bhi wohi kar raha hai. ठीक है, उसको भी लड़की के पीछे पड़ना है, उसको वही लड़की चाहिए. So it becomes a matter of ego. So if, like I was watching Trevor's show, and Trevor asked that, do you guys call the other guys and ask, have you reached home without, you know, sexually harassing anyone? Right. Yeah. So guys need to do that. Check on your friends. Dekho, agar se inme se koi tumhara bhai ho, tumhara cousin ho, tumhara friend ho, speak to them. Tell them this is not right, what you're doing. Consent is above all. Right. And our society as a whole, I remember the Delhi rape case, famous Nirbhaya ke saath hua tha. When we had heard about that case, there were a lot of people, the flag bearers of the society, who were saying ki raat ko 1:30 pe apne boyfriend ke saath, nobody knows if that guy was the boyfriend or not, but then they were like they were character assassination. Something that is very, our society is very pro at, you know, we immediately character assassinate the girl who is the victim. So, you know, this mentality needs to change. I mean, the other women also watching this, please do not gossip on such things ki wo uska boyfriend hai. Yeah, you know, we all have certain rights to relationships. Sanika, jo clothes hum pehnte, ओके, लोग ये कहते हैं कि लड़की ने वो कपड़ा क्यों पहना, उसने वो पहना, उसको इनवाइट किया, व्हाट नॉनसेंस. क्योंकि यू आर बेसिकली सेइंग कि तुम में कोई कंट्रोल ही नहीं. वी नीड टू टीच मेन, एक्सक्यूज मी, यू कुड बी सेक्सुअली अट्रैक्टेड बट इट्स नॉट आउट ऑफ योर कंट्रोल. यू कैन वी ऑल्सो कंट्रोल आवरसेल्व्स एज गर्ल्स, वी आर नॉट रेपिंग एंड मोलेस्टिंग एनीबडी, मोस्ट ऑफ अस. आई एम नॉट सेइंग सब लड़कियां हमारे जैसे ग्रेट होती है, देयर आर वुमेन हु आल्सो डू दिस, बट ये जो है ना, लड़की ने शॉर्ट स्कर्ट पहनी तो शी इज इनवाइटिंग इट, लड़की पब में जा रही है तो शी इज इनवाइटिंग इट. एंड सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी करती है. विमेन आर ऑल्सो फ्लैग बेयरर्स ऑफ पैट्रियार्की एंड दीस काइंड ऑफ माइंडसेट्स. जहां बोलते हैं लड़की बिगड़ गई अगर से दारू पिएगी या अल्कोहल पी, नॉनसेंस. आई मीन इफ वी विमेन डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग. जिसको तुम देखो, क्या सारी में लड़कियों का रेप नहीं हुआ? हुआ है. क्या मूर्खे हुए पहना हुआ बच्चों के नहीं हुए? कोई right. उसका नहीं हुआ है? कोई डू यू नो देयर इज इवन पीपल हैव सेक्सुअली मोलेस्टेड डेड बॉडीज. सो व्हाट एक्सक्यूजेस आर यू गिविंग? मींस इट्स जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल. ऐसा थोड़ी होता है. तुम करना चाहते हो तो तुम करते हो. तुमको जस्ट ये एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं कि जस्ट टू ब्लेम, क्योंकि इजी पड़ता है ना किसी और पे अगर से तुम ब्लेम करो कि अच्छा उसने किया, लड़की ने मुझे इनवाइट किया बिकॉज शी इज ड्रेस. दैट्स रबिश, अल्ट्रा रबिश. राइट, वेरी वेरी ट्रू. एक और एस्पेक्ट है रचना, दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रीटी कॉमन. हालांकि आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग स्ट्रिक्टर रूल्स, देर आर रेगुलेटिंग बॉडीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेर वुमेन कैन गो एंड रिपोर्ट सच केसेज इफ दे आर सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट. बट आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस.
how common it is, or what should be, you know, what can we do to control it? You know, the best part about today's generation is, one, the women are much stronger, okay, no doubt, yeah. But फिर भी उनके साथ होता है. I'm not saying कि नहीं होता sexual in offices. But the good part is most companies have HR. You know, they can complain. They have. और पहले ये नहीं था कि आपके पास video cameras हैं, phones हैं. आप you know you have this pen camera and all that. You can actually record everything. Earlier times we could not prove. We could not prove it at all. Now you can give proof and you can fight for your rights. We don't have to keep quiet. Yes, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, पर क्या इंपॉर्टेंट है, जॉब कहीं और भी आपको मिल सकती है, ठीक है. बट जस्ट इमेजिन अगर से तुम ये इस बंदे को रोकते हो, क्योंकि अगर से वो आपके साथ कर रहा है तो डेफिनेटली किसी और के साथ भी करता होगा. तो एज विमेन, अगर से जो भी आज देख रहा है, प्लीज फाइट एटलीस्ट एट द वर्क प्लेस. वो तो सारे लोग आपके अराउंड है, आपको सपोर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग HR. सो यू नीड टू फाइट. जब हम अकेले स्ट्रीट पे होते हैं, हम we are just alone, right? But there is a nice support system that you have in companies nowadays. So yeah, that's what you do. You report, you don't keep quiet about it, because that's how we'll get the word out. Okay, hey, listen, we are not going to keep quiet. We will. Right. So a very strong message that we want to send out to the women out there, that, you know, until and unless you raise your voice, you are vocal about it, you talk about it, this is not going to stop. We need to put a foot down. We need to stand up against the odds, you know, and then say it loudly that, you know, we have been subjected to all of this and we are not going to take it anymore. There is no shame in it, right? And yes, we as parents, as I would say, we as human beings have this responsibility towards other human beings to deal the other person with compassion, sympathy, and kindness, and you know, not treat anybody as commodity. So, you know, sexual harassment is really, really real, and it's important to be vocal about it. So, on one last message that you would want to give to our audience, Rachna, we'll wrap up this conversation. So, Kanika, it's an eclectic approach that we need to have, right? It's not just families or school, it's all of us. We all need to do our bit. Like today, you and I are doing our bit, right? We are spreading the word across that this is how you should be dealing with it. So it starts with parents, with schools, colleges, the government, the laws, extra policing, CCTV, you know, and emotional intelligence classes. All this, Kanika, is important. And sabse zyada main un लड़कों को बोलना चाहती हूँ जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो विसिल करते हैं, जो जिनको तंग करते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए. यू डोंट नो हाउ हार्ड इट इज फॉर अस गर्ल्स टू गो थ्रू दिस. एंड आई एम डीलिंग विद गर्ल्स जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, उनको पता ही नहीं क्या लाइफ क्या है, और उनके साथ जब ये ऐसा होता है, दे लाइक मैम हमने क्या करना चाहिए. आई मीन यू गाइज मेक अस फील सो हेल्पलेस. प्लीज ये जो टॉपिक जो लोग बोलते हैं ना, माँ बहनों की सोचो यार, अभी तक अभी आपको समझा नहीं कि अगर से आपकी खुद की माँ के साथ ऐसा हो या आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो यू वुडेंट लाइक इट, राइट? सो आप लोग क्यों, हमको क्यों ऐसा बोलना पड़ता है आपको कि आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना, आप सबकी मोस्टली सबकी माँ और बहनें तो होती हैं, अगर से रियल नहीं तो कजिन तो होती. आप जैसे अपने घर के विमेन को रिस्पेक्ट करते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो, उनके साथ आपको अच्छा नहीं, तो आप दूसरी लड़कियों को क्यों अच्छे से ट्रीट नहीं करते? क्यों आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि दुनिया को आपको दिखाना है कि हम कोई, वी आर नॉट अ ट्रॉफी दैट यू नीड टू यू नो शो कि आपको मिल गया. सो आप लोगों से मेरी विनती है, हूएवर इज लिसनिंग टुडे, दैट प्लीज रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर. गर्ल्स को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ट्रीट मैन वेल जो आपके लाइफ में है. मेक श्योर कि आई नो ऑफ सम केसेस जहाँ पे वेमेन हैव ऑल्सो सेक्शुअली मोलेस्टेड मैन. आप भी प्लीज ऐसा मत कीजिए. यू डोंट नो हाउ मच इम्पैक्ट यू गाइज लीव फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. दे कैरी दैट बैगेज विद देम. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हम इस प्लानट पे आए, बी लविंग, बी केयरिंग, और डोंट डू दिस टू एनी अदर ह्यूमन बींग. इट इज
इट्स टेरिबल. किसी भी तरह से किसी को, जब दिल हमारा दुखता है तो कितना हर्ट होता है, तो आपका भी तो दिल है. आप जरा सोचिए आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा. सो आई रिक्वेस्ट एवरी गाय एंड गर्ल टू बी रिस्पेक्टफुल, टू बी काइंड एंड टू बी केयरिंग, एंड लेट्स हैव अ बेटर प्लैनेट. Yes, so that was a very wonderful and touching message that you have given it out to our audience, Rachna. Thank you so much for your time and your wonderful advice on this sensitive topic. I hope that our audience will derive the piece of wisdom, the piece of knowledge and the piece of compassion that we wanted to share through this discussion today. And I just hope to create something, a better world together. Rachna wants to say something. क्योंकि ये एम्पथी वाली मदर इतनी इम्पोर्टेंट है. मेरा मैसेज स्कूल्स के लिए भी है कि एट स्टार्ट अर्ली टीच चिल्ड्रन की कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाउ टू हैव एम्पथी, हाउ टू हैव इंटेग्रिटी, की कोई तुम्हारे आसपास हो ना हो टू डू द राइट थिंग. जस्ट बिकॉज लड़की अकेली है और तुमको चांस मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप सही करो. डेट रेप्स भी होते. सो बी कंपैशनेट, बी एम्पथेटिक. We need to have that. I can't explain, Kanika. Literally, I'm so क्या बोलते हैं, emotional about it. Whenever I get a client, उनका मैं सुनती हूँ ना, literally मुझे उस दिन मुझे इतना रोना आता है कि I'm like, because they cannot sleep. They are so anxious. They are all the time panicking. They're getting cold sweats. उनको घड़ी घड़ी वो जो कपड़ा पहनते हैं उससे उनको याद आती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. और जब तुमको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो बंदा बंदी जो भी है वो अकेले झेल रहा होता है, क्योंकि वो फ्रेंड्स को भी नहीं बोल पाता. तो दिस मैसेज आई वांट टू टेल एवरीवन हु इज सेक्सुअली मोलेस्टेड और इज गोइंग थ्रू एनीथिंग, प्लीज स्पीक अप. अपने लिए, खुद के लिए लड़ो और इन लोगों को ऐसे, डोंट लेट देम गेट अवे विद दिस शिट. मेक श्योर कि आप कंप्लेन करो, चाहे अगर से आपके पेरेंट्स नहीं सुन रहे, टीचर्स को बोलो. क्योंकि तुम अगर से चुप बैठोगे यही कंटिन्यू होता रहेगा, कभी सोसाइटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दे आर बैंकिंग ऑन यू टू कीप क्वाइट. दे नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. सो प्लीज स्पीक अप. राइट, एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री विद यू रचना. एंड यस, एज शी सेड दैट, यू नो, उनको पता है आप कुछ नहीं करोगे. इस मिथ को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड द ओनस इज ऑन यू, द ओनस इज ऑन अस, द ओनस इज ऑन सोसाइटी. ये समाज कोई और नहीं है, ये समाज आप और हम ही है. इट इज यू एंड इट इज वी हु आर क्रिएटिंग दिस. रिमेंबर, इफ इट इज अस टुडे, इट विल बी समबडी एल्स टुमारो. सो यू नो, वी हैव दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई डोंट नो विच रोल यू आर प्लेइंग इन योर लाइफ एट द मोमेंट. आप टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, यू आर एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एनीबडी एल्स, बट डू नॉट फियर द सोसाइटी. ये सोसाइटी किसी और से नहीं बनती, ये सोसाइटी हमसे ही बनती है. एंड इफ देर आर सर्टन नोटोरियस एलिमेंट्स, इफ देर आर एलिमेंट्स हु आर नॉट मेकिंग दिस सोसाइटी अ लिवेबल प्लेस, लेट्स स्पीक अप. सोसाइटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है. इफ यू रेज वॉइस, आई अश्योर यू, यू विल फाइंड सपोर्ट. एंड being very honest, if there is nobody helping you, come to Just Bath and talk to us. We will do anything that is in our capacity to help you out. We will support you emotionally. We will try to talk to your parents, teachers and anybody. And Rachna has done that previously. So I don't need any, you know, testimonies to prove it. So anyone listening to me, I do pro bono cases. I work for free for the ones who cannot afford, even if you can afford, doesn't matter. आपको अगर से तकलीफ हो रही है, इफ यू आर गेटिंग सेक्सुअली मोलेस्टेड एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल, या हो चुका है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी. आई हैव सम कॉन्टेक्ट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आई प्रोमिस. राइट राइट. एंड आई टोटली बिलीव कि जब कोई मदद करने की इच्छा रखता है तो ईश्वर उसको एम्पावर करता ही है. आई वॉज ग्रेस, शी हैज दैट कॉन्टेक्ट ऑल्सो, एंड वी हियर एट जस्ट बात आर willing to help you in the best of our capabilities. So please do not keep quiet. If you have been a victim before and you are carrying that emotional trauma, carrying that baggage, please talk to us, share it out. Do not suffer in silence. We care for you, right? Yes. I hope those who are listening to us right now, or those who will be listening to us in time to come,
you will find some strength from here, and together, you, me, all of us together, we will create a better world. Once again, I will thank you so much, Rachna. Thank you so much for giving your precious time and your words of wisdom and your unconditional support. Thank you so much. Thank you so much, everybody. We wish you well-being. Bye-bye. Bye. Thank you.